हे गाइज वेलकम बैक टू आर चैनल सिंप्लीफाइड लर्नर आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच गाइज वी आर टूडे एट ट्वेंटी के प्लस सब्सक्राइबर्स आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू एंड चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो शेयर्स करो प्रेस द बेल आइकन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऐसे हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी अमेजिंग सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोफाइल कार्ड एब्सोल्यूटली फ्रॉम स्क्रैच सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोफाइल होगा उसका टाइटल क्या होगा तो हमने टाइटल में लिखा है प्रोफाइल और सिम्पलीफाइड लर्नर वहाँ पर लिख दिया है एंड यहाँ पर लोगो है कुछ हेडिंग्स लिख दिया मैंने यहाँ पे कुछ लिंक्स मैंने प्रोवाइड किए जो कोई क्लिक करोगे तो आप एक नए टैब में जाओगे आप सेम टैब में नहीं रहोगे आप एक नए टैब में जाओगे ये हमको ओवरलोड होने से बचाता है हमारे सेम टैब को ताकि विजिटर उसको स्किप ना करें बल्कि उसको क्लिक करके विजिट करना ज़्यादा पसंद करेंगे सो यूट्यूब इंस्टाग्राम और मैंने गिटअप का यहाँ पे लिंक डाला हुआ है आप ज़रूर विजिट करो और देखो किस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हो फ्रॉम स्क्रैच फिर यहाँ पे कुछ क्वालिटी कंटेंट के मैंने लिंक डाले हैं कुछ लिख दिया वहाँ पे कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं फिर पाइथन जावा वेब डेवलपमेंट इनका मैंने एक प्ले ऐड कर दिया तो आप ये किस तरह से अपने प्रोफाइल कार्ड या अपने वेबसाइट पर यह ऐड कर सकते हो कोई भी पर्टिकुलर वीडियो का लिंक एंड कम्युनिटी पोस्ट में हम लोग क्या करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया अलग अलग सेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं तो इन सभी को हम लोग स्क्रैच से सीखेंगे यूजिंग एच टी एमएल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट एस बिगिन विद द वीडियो सो वेलकम गाइज हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल दिया और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया जो कि है प्रोफाइल कार्ड और इस प्रोफाइल कार्ड के अंदर मैंने इंडेक्स डॉट एस टी एम एल और स्टाइल डॉट सी एस एस करके दो फाइल क्रिएट किया है और एक प्रोफाइल डॉट पी एन जी करके एक फ़ोटो ऐड कर दिया जो कि कुछ नहीं हमारा इंस्टाग्राम का और हमारा यूट्यूब का लोगो है सो इंडेक्स डॉट एस टी एम एल हम लोग पूरा डिफाइन करेंगे बॉडी सबको एंड उसमें इफेक्ट डालने के लिए हम लोग सी एस एस का यूज़ करेंगे ये सिर्फ बेसिक इंडेक्स और इंडेक्स एच टी एम एल एंड स्टाइल सी एस एस का फाइल क्रिएट किया और कुछ नहीं किया अभी तक एंड हम लोग अभी इसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे स्क्रैच से किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे एक प्रोफाइल कार्ड जो कि डायनेमिक होगा और बहुत इसको ईजी इस स्टेप्स में आपको बताऊँगा तो सबसे पहले हम लोग टाइप डिफाइन कर देते हैं जो कि डिफाइन करेगा करंट वर्जन ऑफ एच टी एम एल सो एज़ यू ऑल नो हम लोग सबसे पहले एस टी एम एल टैग ओपन करेंगे उसका लैंग्वेज हमारा इंग्लिश होगा सारे कोड का तो एस टी एम एल लैंग इक्वल टू ई एन एंड हियर ओनली वी विल क्लोज अवर एस टी एम एल टैग ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा टैग हमने ओपन किया कौन सा क्लोज करता है एंड एस टी एम एल टैग के बाद हम लोग क्या लिखते हैं हेडिंग टैग राइट तो हम लोग हेड टैग ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे एंड वहाँ पे कुछ हम लोग मेटा डेटा को डिफाइन करेंगे जो व्हाट इज मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा एंड मेटा में कुछ कुछ हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन डाल देंगे जैसे कि मेटा कैरेक्टर सेट इक्वल टू यू टी एफ एट अभी यू टी एफ क्या होता है यूनिकोड ट्रांसमिशन फॉर्मेट जो कि हमारा टू फिफ्टी सिक्स बाइट्स को सपोर्ट करता है एंड मेटा हम लोग हर एक इंटरनेट एक्सप्लोरर पे अभी लेटेस्ट वर्जन जो भी एच टी एम एल फाइव हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें उसलिए हम लोग उसको यू ए एक्स यू ए कम्पेटेबल बनाएंगे सो एस टी टी पी इक्विविलेंट इक्वल टू और कोर्ट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे एक्स डैश यू ए डैश कंपेटिबल स्पेस कंटेंट इक्वल टू कोर्स के अंदर आई डैश एच एंड मेटा नेम हमारा व्यू पोर्ट हो जाएगा uh, और इसका व्यू का विथ कितना होगा विथ इक्वल टू डिवाइस का जितना विथ तो होगा उस हिसाब से इसको हम लोग सेट कर देंगे सो मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट स्पेस कंटेंट विथ डैश मीन विथ इक्वल टू डिवाइस विथ एंड और क्या क्या है इसका इनिशियल हम लोग इनिशियल स्किल कितना रख सकते हैं इनिशियल स्केल रेट से वन पॉइंट ज़ीरो इनिशियल स्केल इक्वल टू वन पॉइंट जीरो एंड हीयर वी फिनिश विद अवर मेटा टैग अब हम लोग अपना टाइटल डिफाइन कर देंगे क्या टाइटल होगा हमारा वेब पेज का सो जैसे आप कोई लिंक खोलते हो वहाँ पर ऊपर में टाइटल टाइटल होता है ना उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे सो टाइटल ओपन करो टैग को क्लोज अपने ऐप कर देगा वी एस कोड टाइटल हम लोग लिखते हैं प्रोफाइल कार्ड क्योंकि हम लोग प्रोफाइल कार्ड ही यहाँ पर बना रहे हैं एंड वी कैन राइट अवर चैनल नेम सो प्रोफाइल कार्ड फिर मैंने एक लाइन डाल दिया एंड एट दी राइट सिंप्लीफाइड लर्नर सो ये डिस्प्ले होगा हमारा मेन पेज पे जो भी हम लोग टैब खोलेंगे वहाँ पे चलो पहले सी को लिंक करते हैं तो लिंक रिलेटिव इक्वल टू स्टाइल चीट क्योंकि हम लोग सी एस एस को लिंक करें और सी क्या प्रोवाइड करता है हमको स्टाइल्स प्रोवाइड करता है सो एच रेफ़ तो हमारा रेफ़ क्या होगा इस फाइल का लिंक सो so, यहाँ पे हम लोग कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे एंड इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया सो so, इस वजह तो से हमारा एस टी के साथ लिंक हो गया है सो so, हम लोग बाय द हैंड हम लोग इसको रन करके भी देखेंगे किस तरह से हमारा पेज दिखता है और हम लोग आपको क्या बोलते हैं करोस्पॉन्डिंगली हम लोग कोड भी करेंगे एंड रन भी करके देखेंगे किस तरह से हमारा आउटपुट हर एक स्टेप के बाद दिखता है हम लोगों को ओके okay? सो so, अभी क्योंकि हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा तो इसलिए हमारा पेज पूरा ब्लैंक दिख रहा है सो so, हम लोग कोड एडिटर में जाते हैं और बॉडी टैग के अंदर सारे कोड्स को लिखना स्टार्ट करते हैं सो so, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो भी लिखोगे वही डिस्प्ले होगा हमारे पेज पे अब हम लोग बहुत सारे डीफ क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेंगे सो so, मैंने डिफ क्लास सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हमारे लोगों को डिफाइन करेंगे सो so, हम लोग डिफ क्लास कार्ड लेते हैं जो हमारा पूरा प्रॉपर कार्ड होगा उसके बाद हम लोग डिफ क्लास एक और बनाते हैं सो डीफ क्लास और इसके अंदर फिर यहाँ पर क्लास लिखना पड़ेगा सो डीफ क्लास और इस क्लास में लेट्स से वी विल डी इमेज हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे जो कि हमारा सिम्प्लीफाइड लर्नर का लोगो होगा सो so, अब इमेज कैसे इंसर्ट किया जाता है सो so, उसका आई टैग यूज़ करेंगे सो आई टैग यूज़ हुआ उसको क्लोज नहीं करना है अभी स्पेस डालना है एंड लिखना है आर सी मीनस हमारा सोर्स कहाँ होगा तो so, सोर्स क्या होगा हमारा जो फाइल में इमेज स्टोर है उसका रिलेटिव पाथ तो वहाँ पे जाओ उसको एंड कॉपी रिलेटिव पाथ एंड पेस्ट इट हियर सो इमेज सोर्स हमने डिफाइन कर लिया एंड इसका हम लोग एक ऑल्टरनेट नेम दे सकते हैं सो इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको प्रोफाइल एंड इसको हम लोग एक क्लास हमने इमेज दे दिया था एंड इसको अगर हमको और एडिटिंग करना है इस पर्टिकुलर इमेज को तो हम लोग उसको प्रोफाइल नाम का मैंने क्लास यहाँ पे डिफाइन कर दिया एंड इमेज टाइप को क्लोज कर दिया अब इतने से पार्ट को डालने से हमारा वेब पेज पे क्या असर होता है देखते हैं रन करके सो so, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को देख लो आप कि यहाँ पर हमारा इतना बड़ा सा सिर्फ लोगो दिख रहा है जो कि हमको चाहिए पर इतना बड़ा नहीं चाहिए हमको पूरा कार्ड में चाहिए तो so, अब इसको और हम लोग एडिट करते हैं सो so, ये था हमारा इमेज सो so, अब हम लोग डिफ क्लास को एक और डिफ क्लास खोलते हैं ये तो डिप क्लास इमेज था उस इमेज में हमने अपना इमेज डाल दिया फिर एक और डिप यहाँ पे खोले एंड हियर वी विल हम लोग सेगमेंट बाय सेगमेंट करते जाएंगे उसमें हम लोग अलग अलग क्लास डिफाइन करें ताकि इसको सी एस एस में एडिट कर सकें सो so, डिफ क्लास डिटेल्स क्योंकि हमारे आ, लोगों के साइड में हमको कुछ डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हम लोग हेडिंग टू का यूज़ करेंगे एच टू क्योंकि आपको पता है कि हेडिंग्स के छः लेवल होते हैं एच टी एम एन में सो एस टू में हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हमारे आ, क्या लिख सकते हैं हमारे यूट्यूब का नाम सिम्प्लीफाइड लर्नर सो इसके लिए क्लास डिफाइन कर दो एम टी क्लास रखते हैं कोई दिक्कत नहीं एंड सिम्प्लीफाइड लर्नर यहाँ पर लिख दिया हमने सो so, एक बार इसको भी रन करके देखना चाहता हूँ मैं किस तरह से दिखता है ये और कहाँ दिखता है सो so, उसको मैंने सेव किया एंड इसको हम लोग जब रन करके देखेंगे सो so, आप देखो एस टी एम एल कहाँ होगा इसको रिफ़्रेश करो यहाँ नीचे देखो सिम्प्लीफाइड लर्नर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सो हेडिंग टैग तो शो हो गया अब हम लोग इसके नीचे कुछ एक पैराग्राफ लिख देते हैं तो मैंने पैराग्राफ टैग यहाँ पे ओपन क्लोज़ किया और उसके अंदर मैं कुछ पैराग्राफ लिखूंगा बट मैं एक क्लास डिफाइन कर देता हूँ ताकि मैं उस पैराग्राफ को एडिट कर सकूँ अच्छे से बाद में मीन सी एस एस में सो so, मैंने एक पैराग्राफ लिया उसमें एक क्लास बनाया टेक्स्ट नाम का और उसके अंदर मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ ये सेंटेंस आप अपने प्रोफाइल के आर्ट के हिसाब से लिख सकते हो सो so, मैंने यहाँ पे दो पैराग्राफ लिख दिया है एक सेम क्लास का टेक्स्ट क्लास का एंड दूसरे में मैंने उसको बोल्ड भी किया है तो उसलिए मैंने बी टैग का यूज़ किया हुआ है अब डिफ क्लास को यहाँ पे मैं क्लोज़ करता हूँ अब इसको रन करके देखेंगे कि हमारा कोड किस तरह से डिस्प्ले हो है इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं पेज को एंड आप यहाँ देखो कि एक हेडिंग है और यहाँ पे दो पैराग्राफ हमारे पास आ चुके हैं एंड सक्सेस जो वर्ड है वो बोल्ड में है क्योंकि मैं हमने वहाँ पर बी टैग का यूज़ किया है बी ओपन क्लोज कर दिया कोई भी वर्ड पर तो वो बोल्ड हो जाता है तो अब हमारा काम क्या आ रहा है कि हम लोग एक और डिफ क्लास खोलते हैं एंड हम लोग कुछ आइकन्स यहाँ पर डिफाइन करते हैं कुछ स्पेशल uh, हमारे सोशल आइकनस को डिफाइन करते हैं सो डिव क्लास ओपन क्लोज़ किया uh, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करेंगे क्लास इक्वल टू सोशल आइकन करके एंड इसमें हम लोग बेसिकली यूट्यूब गिटब इंस्टाग्राम इन सब को हम लोग यहाँ पे लिंक करेंगे मीन्स कोई भी यूजर अगर उसको क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारे उस पेज पे पहुँच जाएगा सो डिव क्लास सोशल आइकन और यहाँ पे हम लोग सोशल आइकन को कैसे ऐड करेंगे आप देख लो सो so, डिव के अंदर हमने क्लास बना लिया सोशल आइकन के अब हम लोग देखो लिंक कैसे लिंक लिंक करते हैं हमारे वेबसाइट से तो हमको ए टैग खोलना है ए मीन्स एंकर टैग जो हमको लिंक बना देता है कोई भी सेंटेंस को कोई भी वर्ड को सो so, उसके अंदर लिखेंगे एच रफ़ और वो फिलहाल मैं अभी एम टी रख रहा हूँ एंड टारगेट इक्वल टू अंडर स्कोर ब्लैंक इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वो आइकन को क्लिक करेगा वो एक नेक्स्ट पेज में जाएगा नेक्स्ट टैप में जाएगा सेम टैब पर वो वेबसाइट नहीं खुलेगा नेक्स्ट टैब में चला जाएगा ओके okay? एंड इसमें भी क्लास डिफाइन करते हैं क्लास इक्वल टू सोशल ताकि हम बाद में इस आइकन को भी एडिट कर सकें अब हम लोग आई टैक के अंदर हमारे उस आइकन को डिफाइन कर देंगे उस आइकन का क्लास बना लेंगे जो भी हमको डिस्प्ले करना है सो आई टैक मैंने ओपन क्लोज़ किया फिर क्लास के अंदर लिख रहे हैं हमको जो भी आइकन हमको चाहिए यूट्यूब इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक सो क्लास इक्वल टू कोड्स के अंदर हम लिख रहे हैं फैब स्पेस एफ ए डैश और यूट्यूब क्योंकि हमको यूट्यूब चाहिए ओके सब लोअर केस में यहाँ पे देख लो एंड हम लोग यहाँ पे आई टैप को क्लोज किए एंकर टैप को क्लोज़ किए और ये डिप भी यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है इसको सेव करते हैं एक बार वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये डिस्प्ले हो रहा है सो so, जैसे मैंने यहाँ पे पेज को रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे एक्चुअली कहीं पे यूट्यूब का लोगो नहीं दिख रहा है वो एक्चुअली हो क्यों रहा है आ, इसका हमको पता लगाना होगा तो बेसिकली क्या होता है जब हम लोग यहाँ पे कोई कोड लिखते हैं वो ऐसे ही हमको नहीं दिखता उसके लिए हमको उसको लिंक करना पड़ता है एक किसी भी आ, लेटेस्ट वर्जन से मीन्स हमको आइकन लेना पड़ता है कोई भी साइट से तो वो हम लोग कहाँ से ले वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में प्रोवाइड कर दूँगा तो यहाँ पे सी डी एन जे एस करके एक वेबसाइट है मैं वो लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और उसका लेटेस्ट वर्जन जो था ऑल स्टाइल्स के लिए जो भी तरह का आइकन चाहिए वो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है एंड यहाँ पे मैं थोड़ा इसको अच्छे से अलाइन कर देता हूँ ताकि आप इसको पॉज करके अच्छे से नोट कर सको ओके okay? एंड ये कोड गिट पे भी है मेरे तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हो तो देखो मैंने क्या किया ये वेबसाइट पे मैंने विजिट किया और फिर मैंने वहाँ पे जो यहाँ पे देखो तो वर्जन है एसेट टाइप वर्जन आप लेटेस्ट वाला रखो एंड एसेट टाइप ऑल रखना एंड उसके बाद यहाँ पे लिंक को जो प्रोवाइड हुआ होगा उसका एच लिंक कॉपी कर देना है एंड फिर उसको वहाँ पर पे पेस्ट करेंगे हम लोग कहाँ पर हेड टैब में ताकि हमारा बॉडी में जो भी क्लास उसको कॉल कर रहा हो उस पर्टिकुलर आइकन को वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा हमारे पेज पे सो so, इसी तरह से हमने लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पे ले लिया सो मिन डॉट सी करके इसका नाम है एंड ये यह यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया टाइटल के नीचे एंड स्टाइल शीट के जस्ट ऊपर एंड अब इसको हम लोग सेव करके रन करके देखते हैं कि हमारे पेज पे क्या यूट्यूब का लोगो आया है कि नहीं ठीक है सो so, मैंने यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया ताकि आप अच्छे से सही देख लो ये कोड यूटू आ, मेरे गिटअप पे अपलोड है आप वहाँ से जाके इसको फोक कर सकते हो सो so, मैंने इसको सेव करता हूँ एंड वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि ये रन होता है कि नहीं सो यस वी गो ईयर हमको यूट्यूब का लोगो यहाँ पर दिख चुका है एंड इसको क्लिक करेंगे तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने एच में अभी भी कोई उसको लिंक प्रोवाइड नहीं किया कि वो कहाँ जाए वो क्लिक करने के बाद सो so, इस तरह से मैं और लोगों से यहाँ पर ऐड कर देता हूँ यूट्यूब के बाद सो इंस्टाग्राम और गिटप का मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा सो so, देखो अभी क्लिक करने के बाद हम वही पेज को बार बार खुल रहे नया टैब में क्योंकि हमने यहाँ पे अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ किया था टारगेट कि कोई भी उसको क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा नेक्स्ट टैब में जाएगा उसलिए उसको अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं टारगेट में सो so, इस तरह से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और तीन बार और लिख देता हूँ एक बार YouTube हो गया एक बार Instagram और एक बार GitHub डाल दूंगा मैं सो सिंपली YouTube यहाँ से हटाओ एंड लिख दो इंस्टाग्राम आप फेसबुक ट्विटर और जो भी आपका अकाउंट है सोशल अकाउंट वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपने प्रोफाइल कार्ड में एंड यहाँ पे मैंने गिठअअप लिख दिया इसको सेव करते हैं एंड एक बार रन करके देखते हैं कि तीनों लोगों हमारे पेज पे डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं एंड हियर वी गो यस हमको तीनों लोगों यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है एंड जैसे हम लोग उसको क्लिक करें एक नया टैब खुल रहा है विद द सेम लेआउट क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ लिंक प्रोवाइड नहीं किया हुआ है ओके okay? देख लो आप गीटअप है इंस्टाग्राम है एंड यूट्यूब है अब हम लोग कोई भी इसको क्लिक करेगा तो वो कौन, कौन से पेज पे लैंड होगा वो लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे एच में जो हमने एंकर टैग के जस्ट साइड में लिखा था सो आई जस्ट कॉपी द लिंक ऑफ माय यूट्यूब इंस्टाग्राम एंड गिटहब एंड पेस्टेड इन एच और इससे क्या होगा कि जैसे कि कोई भी उस आइकन को क्लिक करेगा वो एक नए टैब में खुल जाएगा तो ये डिव क्लास था सोशल आइकन के लिए जिसमें हमने तीन सोशल आइकन को डिफाइन किया इसको सेव करके हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं लाइव डेमो कि किस तरह से हमारा आउटपुट हमको डिस्प्ले होता है सो लेट अस गो एंड चेक सो मैं इसको प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ सारे डिव को ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि कौन सा डिव कहाँ क्लोज हो रहा है सो so, ये कार्ड वाला डिव के अंदर हमने दो चीज़ डिफाइन कर दिया एक हो गया कार्ड जिसके हमने इमेज डाला फिर एक डिटेल जिसमें हमने पैराग्राफ और हेडिंग लिखा और एक डिव क्लास जिसमें हम लोग सोशल आइकन को डिफाइन किया सो so ये तीन डिव यहाँ पे हमने क्लोज और ओपन करके सब सेटल कर दिया हमारा फर्स्ट लेआउट अब इसको रन करके देखते हैं किस तरह से आइकन होता है देखो जैसे हमने वो यूट्यूब क्लिक किया हमारा पेज रीलोड हो रहा है रीलोड नहीं हुआ हम लोग एक नेक्स्ट टैब में पहुँच गए एंड यहाँ पर क्या खुला है यूट्यूब क्योंकि हमने यूट्यूब का आइकन क्लिक किया था सो इस तरह से आप इंस्टाग्राम और गिटअप क्लिक करोगे तो भी आप नए टैब पर पहुँच जाओगे सो so, वो सब आप हम लोग करेंगे बाद में आप इसको थोड़ा तो तो और बेहतर बनाते हैं सो so, अब हम लोग डिफ क्लास खोलते हैं और हमारे पेज पे हमारा जो प्रोफाइल कार्ड है उसमें एक नई चीज़ें ऐड करते हैं सो so, डिफ क्लास और यहाँ पे हम क्लास के अंदर लिख देते हैं लेट्स ए कंटेंट सो हम लोग कंटेंट डिफ़ाइन करते हैं अभी हमारा आ, नीचे वाले और हमारे लोगों के नीचे क्या क्या दिखना चाहिए और उसके बाद हमारा आइकन्स जो है हमने ऐड किया उसके बाद क्या लेआउट होना चाहिए उसल हमने यहाँ पे डिफ क्लास बनाया कंटेंट का अब यहाँ पे हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं जिसमें जिसके लिए मैं एच थ्री का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एच वन से लेकर एच सिक्स तक के हेडिंग्स होते हैं एच डी एम एल में वहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वालिटी कंटेंट और क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए प्रोफाइल कार्ड बना रहा हूँ इसलिए मैं इस तरह का हेडिंग्स या पैराग्राफ लिख रहा हूँ और आप अपने हिसाब से अपने लिए जो भी चाहिए वैसे प्रोफाइल कार्ड बना सकते हो हेडिंग पैराग्राफ अपने चॉइस के लिख सकते हो सो क्वालिटी कंटेंट फॉर लर्नर्स ये मैंने डिफ में एक क्लास बनाया कंटेंट एंड एच थ्री में लिख दिया इसको सेव करके रन करके देखता हूँ कि किस तरह से हमको दिखता है हमारा पूरा पेज इतना सब कुछ लिखने के बाद सो हियर वी गो इसको सेव किया हमने पैराग्राफ खोला और देख लो कि लोगों के जस्ट नीचे हमको दिख रहा है क्वालिटी कंटेंट जो कि है एच थ्री के फॉर्म में मीन्स ये एक तरह का हेडिंग हो गया अब हमको इन सबको अच्छे से अलाइन करना है और कुछ और भी चीज़ें ऐड करना है तो पहले हम चीज़ें ऐड कर देते हैं सो so, यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ जिसमें मैंने एक क्लास डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया जो कि मैं सी एस एस में आगे कॉल करूँगा एंड इस पैराग्राफ में जो भी सेंटेंस होगा उसको मैं एडिट कर सकूँ सो so, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सेंटेंस पेस्ट कर दिया है एंड इसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार किया जिसका मैंने क्लास है लैंग uh, ताकि मैं लैंग को सी एस एस में यूज़ करूँ सो so, देखो हमने हेडिंग लिया सिम्प्लीफाइड लर्नर फिर हमने कुछ आइकन्स डिफ़ाइन किए फिर मैंने कंटेंट यहाँ पे लिखा फिर एक पैराग्राफ लिखा अब मुझे कुछ और चीज़ें ऐड करना है तो मैं वो कैसे करूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे पैराग्राफ के बाद कुछ अनऑर्डर लिस्ट तैयार हो सो so, यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट बन लिख लिया यू एल से एंड उसमें क्लास है लैंग अब उसमें हम लोग एक एक करके एलिमेंट्स ऐड करेंगे सो so उसको एल आई लिखते मीन्स लिस्ट सो लिस्ट का क्लास भी सेम होगा जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट का था सो so, जो हमारा लिस्ट के आइटम्स है वो अनऑर्डर है मीन्स उसमें नंबरिंग नहीं होगा सिंपल एक डॉट होगा सो so, लिस्ट इसका भी क्लास मैंने लैंग लिखा एंड इसके में अभी अभी मैं यहाँ पे कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ इसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें लिंक हो जाए वो एक तरह का लिंक हो उसको क्लिक करने के बाद लोग एक अलग टैब पे जाए तो वो सब हम अभी ऐड करेंगे थोड़ी देर में पर मुझे कितने लिस्ट चाहिए मीन्स कितने एलिमेंट्स चाहिए मुझे तीन या चार चाहिए तो मैं उत, उतने बार इसको कॉपी पर सिंपली कर देता हूँ एंड उसके बाद हम लोग इसमें एंकर टैग का यूज़ करेंगे लिंक ऐड करने के लिए क्योंकि जो भी उसमें एलिमेंट्स होगा जो भी चीज़ लिखा होगा वो एक तरह से एक लिंक बन जाए ओके सो इन द सिमिलर वे मैंने लिस्ट को चार बार यहाँ पे लिख दिया है अब इसमें हम लोग एंकर टैग को डालेंगे ताकि हमारा जो भी वर्ड होगा यहाँ पे जो भी चीज़ें होगा वो एक लिंक बन जाए देख लो आप यहाँ पर यह अनऑर्डर लिस्ट है मीन्स इसमें कोई नंबरिंग नहीं है सिंपली डॉट होता है सो एंकर टैग हम लोग कैसे डालते हैं तो सिंपली हमको क्या करना है ए टैग खोलना है मीन्स ओपन होगा क्लोज होगा एंड इसके बाद हमको ए के अंदर क्या लिखना है एच एफ इक्वल टू डबल कोर्स इसके अंदर हम लिंक प्रोवाइड करेंगे कि वो क्लिक करने के बाद कहाँ जाए एंड इसका टारगेट हम लोग सिमिलर वे में ब्लैंक डालेंगे ताकि वो नेक्स्ट टैब पे खुले ना कि सिंपल टैग हमारा सेम टैब रिलोड हो ओके okay? सो so, ये हम थोड़ी देर के बात करेंगे मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ चारों में तो चारों में कॉपी करने के बाद अभी इसको हम लोग खाली रखते हैं कुछ लिखते नहीं हैं एंड इसमें मैं क्या ऐड करूँगा वो हम लोग थोड़ी देर के बाद देख लेंगे तो पेज पे देखो अभी ये सिंपल डॉट है और वो लिंक बन चुका है उसमें जो भी वर्ड लिखेंगे वो लिंक के फॉर्म में होगा एंड हम लोग क्या लिखेंगे वो थोड़ी देर के बाद हम लोग उसमें ऐड कर देते हैं अब हम लोग एक एक और अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं बट पहले हम लोग एक और हेडिंग uh, लिख देते हैं ओके सो so ये अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर हम लोग क्लोज़ कर रहे हैं एंड डिफ क्लास को यहाँ पे हमने कंटेंट वाला जो डिफ था उसको क्लोज़ कर दिया ओके अब हम लोग एक नया डिफ खोलेंगे सो डिफ टैब मैंने यहाँ पे खोला एंड अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखो कंटेंट वाला यहाँ ख़त्म हो गया अब यहाँ पे डिप टैग मैंने खोला एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे क्लास क्योंकि क्लास बहुत ज़रूरी है उसको अगर सी में आप यूज़ करना चाहोगे एडिटिंग के लिए मीन्स टेक्स्ट डालने के लिए अलग अलग कलर डालने के लिए ठीक है उसको अच्छा दिखना चाहिए तो एच थ्री मैंने यहाँ पे सेम हेडिंग लिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कम्युनिटी पोस्ट जो हमारा प्रोफाइल का थर्ड लेवल होगा वो कम्युनिटी पोस्ट को डिफाइन कर रहा होगा और मैं चाहूँगा कि इसमें लिंक हो जाए तो वो भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे सो so, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट क्या डिफाइन करता है तो so, यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं डेली कोडिंग एंड कंप्यूटर साइंस क्विजेस एट नाइन एम जी हाँ आप कम्युनिटी पोस्ट पे देख सकते हो रोज़ नौ बजे मैं क्वेश्चन डालता हूँ वहाँ पर कोडिंग के कोडिंग से रिलेटेड एंड ये पैराग्राफ को यहाँ पे हम सेव करते हैं और देखते हैं क्या हुआ हमारा यहाँ पे अपडेट सो देखो कम्युनिटी पोस्ट करके यहाँ हेडिंग हुआ उसके नीचे एक पैराग्राफ ऐड हो चुका है तो इतना सब चीज़ हमारे पेज पे मीनस हमारा प्रोफाइल कार्ड पे दिख रहा है अब हम लोग क्या करेंगे जो कम्युनिटी पोस्ट था हमारा हेडिंग उसको चाहता हूँ कि मैं वो लिंक बन जाए तो हम क्या करेंगे एक एंकर टैग खोलेंगे क्योंकि एंकर टैग से ही हम लोग लिंक ऐड कर सकते हैं सो देखो हेडिंग के बाद हम लोग ए टैग डालेंगे ताकि जो भी कंटेंट हमारा हेडिंग के अंदर है वो सब एक बन जाए हमारा लिंक ओके सो देखो इसको अच्छे से लिख दो इस तरह से एंड यहाँ पे एच थ्री होगा क्लोज ओके okay? ये इस तरह से अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें एच डालेंगे सो so, एच अब हम लोग टारगेट लिख देते हैं इसको ब्लैंक ताकि ये नए पेज में खुले एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा एच में हमारा कम्युनिटी पोस्ट का जो भी लिंक रहेगा वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा एच में सो so, अब हम लोग क्या करेंगे डीप क्लास जो कंटेंट है इसमें भी हम अनऑर्डर लिस्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए सिंपली हम लोग ऊपर वाला क्लास को ही अनऑर्डर लिस्ट को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पे पेस्ट करते हैं सो so, ये जो अनऑर्डर क्लास था यहाँ पर लैंग वाला इसको हमने कॉपी किया एंड डीप क्लास कंटेंट में भी इसको यहाँ पे सिमिलर वे में पेस्ट कर दिया हूँ ओके एंड अब क्या होगा इससे देखो कि कि इसमें मुझे लिंक नहीं चाहिए तो इससे यहाँ पे ए रेफ़ को जो भी है मैं यहाँ से ए एफ़ को हटा दूँगा सो so, ये अनऑर्डर लिस्ट में से मैंने सारे एंकर टैग को यहाँ पे रिमूव कर दिया है ओके okay? अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख देता हूँ सो so, लिस्ट में लिख दिया मैंने पाइथन जावा सी एप्टीट्यूड इस तरह के क्वेश्चन में डेली नौ बजे डालता हूँ सो so, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया अब हम लोग रन करके देखते हैं कि ये कहाँ और किस तरह से हमको दिखता है लिस्ट सो so, हम उसको रन करके जब देखें तो यहाँ पर आइकन्स था उसके बाद कुछ हेडिंग्स बने यहाँ पे देख लो क्वालिटी कंटेंट फॉर लर्नर्स उसके बाद यहाँ पे कुछ पैराग्राफ्स हैं एंड कम्युनिटी पोस्ट में यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया है ओके okay? अब देखो ये जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट था जिसमें मैंने लिंक लिख दिया था पर उसमें कुछ वैल्यूज़ नहीं डाले थे तो अब वहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ डाल देते हैं एंड फिर हम लोग देखेंगे कि यह पेज रिलोड होता है जब ये कोई क्लिक करेगा उसके अंदर जो भी वर्ड्स है तो क्या ये नए पेज में जाता है उस लिंक को फॉलो करके तो बेसिकली ये अनऑर्डर लिस्ट में हमको क्या चाहिए जो भी वर्ड्स उसमें लिखा हो वो लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स हो वो लिंक बन जाए ना सो तो इसलिए हमको पहले वो लिस्ट के लिस्ट टैप को अंदर क्लोज़ करना पड़ेगा उसके बाद एंकर टैग को क्लोज़ करना पड़ेगा ताकि वो कंप्लीट वर्ड हमारा लिंक बन जाए ओके सो तो यहाँ पे हम पाइथन लिखते हैं जावा लिखते हैं सी एन वेब डेवलपमेंट इन चार टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाता हूँ अक्सर और मैं क्या करूँगा ये जो एच है इस इसमें मैं इन सारे टॉपिक्स का प्ले जो मेरे चैनल पर वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ एंड कोई भी इसको क्लिक करेगा जैसे इन सब लिस्ट के आइटम्स को तो वो उस रिस्पेक्टू प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएगा तो देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है ये ब्लू कलर में सो ये पाइथन कोई क्लिक करेगा तो नेक्स्ट टैब में जाएगा और वो हमारा पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा वीडियो का और इसी तरह से जवाब सी और वेब डेवलपमेंट का होगा सो so, हमने हमारे पेज में क्या किया लोगो दे दिया हमारा एक सिम्पलीफाइन का हेडिंग लिखा हमने कुछ पैराग्राफ लिखे कुछ आइकन्स ऐड किए जिसमें लिंक है कि उस एड आइकन्स को क्लिक करके वो रेस्पेक्टिव आइकन्स में जा सकता है फिर कंटेंट और हमने कम्युनिटी पोस्ट का यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड कर दिया तो ये हमारा एस पार्ट खत्म होता है अब हम लोग इसमें डिज़ाइनिंग करते हैं सो डिज़ाइनिंग के लिए हमको कहाँ मूव करना होगा सी में सो so, आप इसको एक बार पॉज करके अच्छे से देख लो कि हमने क्या क्या किया है इसमें यह हमारा प्रोफाइल है एंड नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स स्टाइल डॉट सी एस एस पार्ट अब हम लोग एक एक क्लास को यहाँ पे कॉल करेंगे एंड उन सभी में हम लोग स्टाइल ऐड करेंगे ओके okay? तो सबसे पहले हम लोग हमारे लोगों को अच्छे से डिज़ाइन करते हैं एंड इसको सेंटर करते हैं और हमारे बैकग्राउंड में हमको वाइट ही रखते हैं फिलहाल आप चाहो तो अपने हिसाब से कलर ऐड कर सकते हो क्योंकि हम लोग प्रोफाइल कार्ड बना रहे हैं इसलिए हम लोग एक पर्टिकुलर साइज़ का प्रोफाइल कार्ड बनाएंगे सो so, सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर हमने स्टार लिख दिया वहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज और हम लोग मार्जिन डिफाइन करेंगे ज़ीरो पैडिंग होगा हमारा ज़ीरो एंड बॉक्स साइजिंग कॉलन बॉक्स मीन्स बॉर्डर बॉक्स तो इससे क्या होगा कि हमारा सब एलिमेंट जितने भी है एवरी थिंग फ्रॉम इन द एच टी एम एल सब ये यूनिवर्सल सेलेक्टर अपने अंदर इस इस फॉर्मेट में रख देगा मीन्स मार्जिन पैडिंग बॉक्स साइजिंग कॉलन बॉर्डर बॉक्स ओके okay? अब हम लोग क्या करेंगे जो जो इफेक्ट हम लोग ऐड करते जाएंगे उसको साइड बाय साइड देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है हमारे वेबसाइट पे तो देख लो जैसे मैंने ये सब डाल दिया यहाँ पे तो सब चिपक चुका है मीन्स कंटेंट हमारे देखो ओवरलैप नहीं हुआ जो स्पेसेस थे बीच में हर एक में पैडिंग रहता था जो था वो एक घट चुका है अब हम लोग बॉडी के अंदर आते हैं जो हमारा बॉडी था उसमें क्या क्या इफेक्ट हो तो हम लोग सबसे सब पहले बैकग्राउंड कलर रखते हैं सो आर करते हैं रेड ग्रीन ब्लू एंड इसमें कुछ वैल्यूज़ लिख दो थ्री टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री एंड टू फोटी थ्री सो इसका मतलब हमारा बैकग्राउंड हम लोग वाइट रख रहे हैं ओके एंड डिस्प्ले किस तरह से हो सो डिस्प्ले इक्वल टू मीन्स इक्वल टू नहीं कॉलन फ्लैक्स एंड अलाइनमेंट अलाइन आइटम्स जो इसमें आइटम्स है वो कहाँ पर हो अभी फ़िलहाल तो सब लेफ्ट साइड है सो so, हमने इसको लेफ्ट कर दिया सो so, देखो जैसे मैंने इसको रन कर रहा हूँ मीन्स रिफ्रेश करो पेजेस को सब कहाँ पे जा रहा है वो सच चला गया ऊपर की तरफ एंड फ्लैक्स डायरेक्शन कहाँ पे हो तो इसको कॉलम वाइज रखते हैं फिर वापस सब नीचे आ गया क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है हाइट कॉलन हंड्रेड वी एच एंड हाइट हमने डिसाइड कर लिया अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसको फंट क्या होगा तो फंट फैमिली हम लोग रेड से रखते हैं सैन शरीफ क्योंकि ये ज़्यादा बेसिक रहता है एंड मोस्टली यही यूज़ किया जाता है और देखो साथ ही साथ मैं इसको कंट्रोल एस करके इसको रिफ्रेश भी कर रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो अब हम लोग कार्ड वाला ये जो कार्ड क्लास है इसको एडिट करेंगे और ये कार्ड क्लास के अंदर ये सारे चीज़ आ जाता जा है मैं ये सिंप्लीफाइड लर्नर और जो फर्स्ट अपना कॉल क्या बोलते हैं कंटेंट है ना वो पूरा चीज़ एडिट होगा तो कार्ड का हम लोग विथ रखते हैं फाइव हंड्रेड पिक्सल एंड हाइट रखते हैं इसका थ्री हंड्रेड पिक्सल ओके सो so अब देखो जैसे मैंने ये सेव किया यहाँ पे कुछ कंटेंट उड़ के ऊपर उस लोगो में जा चुका है देख रहे हो पर ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा हमको अच्छे से चाहिए कि सब अच्छे से अलाइन हो जाए और चलो हम लोग पहले कार्ड का बैकग्राउंड देते हैं तो बैकग्राउंड इसको वाइट कलर ही रखूँगा मैं पूरे कार्ड का ताकि ये ज़्यादा डिसेंट लगे एंड डिस्प्ले कॉलम फ्लैक्स एंड फ्लैक्स का डायरेक्शन हम लोग इस पर क्या करेंगे रो वाइज करेंगे क्योंकि हम लोग कंटेंट को रख रहे हैं हमने बॉडी में फ्लैक्स डायरेक्शन क्या रखा था कॉलम वाइज एंड जैसे इसको सेव करें कुछ चेंजेस यहाँ पे हो नहीं रहा है जस्ट हमारा जो एक कंटेंट है लोगों के अंदर है और कुछ कंटेंट उधर राइट साइड में फ्लो हो रहा है ओके सो अब हम लोग उसको अच्छे से अलाइन करना सीखेंगे तो हर एक क्लास को पहले डिफाइन करते हैं हमने क्लास इमेज लिया था अब वो इमेज जो हमारे सिम्प्लीफाइड है उसको थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालते हैं इसको चेंज करके देखते हैं सो so, वो हमने डॉट इमेज लिया इससे वो क्लास कॉल हो जाएगा एंड इसका डिस्प्ले क्या रखेंगे हम लोग फ्लैक्स करेंगे तो जैसे मैंने इसको फ्लैक्स किया और सेव करके रिफ़्रेश किया पेज को तो आप देख सकते हो कि और अलाइन आइटम्स हम लोग इसको सेंटर करेंगे सो so, फिर से ये बड़ा हो गया चेक कर लो कहीं तो हमारा कुछ एरर आ रहा है वो हम लोग थोड़ी देर के बाद रेक्टिफाई करेंगे पहले सब चीज़ लिख लेते हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में सारा चीज़ हमारा सेंटर में होगा विथ हमारे इमेज का 200 हंड्रेड पिक्सल सो so, देखो थोड़ा छोटा हो गया ये यह यहाँ से एंड बैकग्राउंड लेट्स थोड़ा शेडोविश कलर रखेंगे जो हमारे लोगों का उसके बैकग्राउंड में थोड़ा शेडो आना चाहिए तो इसको मैंने एक यहाँ पे आईडी लिख दिया हैश टैग टू ज़ीरो टू सेवन टू नाइन सो इससे क्या होता है हमारा सारा कंटेंट अभी इमेज के ऊपर ओवरलैप हो रहा है सो डॉट इमेज का हमारा क्लास खत्म हो गया हम लोग ये प्रोफाइल को एडिट करते हैं अब हम लोग प्रोफाइल वाला क्लास को कॉल करते हैं सो ये रहा हमारा कहाँ गया ये रहा क्लास प्रोफाइल ओके तो डॉट प्रोफाइल एंड करले प्लैकेट ओपन क्लोज एंड इसमें लिख देते हैं हम लोग विथ वन ट्वेंटी पिक्सल हाइट इसका लेट से वन ट्वेंटी पिक्सल एंड बॉर्डर बॉर्डर रेडियस हम लोग रखते हैं इसका कितना फिफ्टी परसेंट एंड बॉर्डर क्या होगा हमारा 5 पिक्सल इसको मैं जब कंट्रोल एस करके रन करूँगा तब देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा इसमें देख लो तो इस तरह से ये छोटा हो चुका है एंड जो हम लोग को डिज़ायर था उस तरह से कुछ आ चुका ही है ये एंड सॉलिड आर जी इसका कलर रख देते हैं हम लोग कुछ सो टू फिफ्टी फाइव वन नाइनटी वन एंड सेवन सेवेंटी वन तो इससे येल्लो कलर का एक बॉर्डर आ गया उसके ऊपर हमारे आइकन के ऊपर देखो यहाँ पे राइट साइड देख लो सो so, हमने प्रोफाइल कर दिया अभी हम लोग क्लास को रहेंगे डिटेल वाले क्लास को एडिट करते हैं डॉट डिटेल्स एंड ओपन क्लोज कर ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग विथ डिफाइन करेंगे इसका पैडिंग डिफाइन करेंगे सो विथ थ्री हंड्रेड पिक्सल पैडिंग लेट्स इसको रन करके देखो मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड की क्या इफेक्ट पड़ रहा है पैडिंग ट्वेंटी पिक्सल देखो इसको भी रन करके दिखाऊंगा क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड डिस्प्ले इसका रेट से फ्लैक्स ओके सो देखो क्या हुआ इफेक्ट देखो क्या हो रहा है यहाँ पे सब चीज़ें किस तरह से अलाइन हो रहा है जस्टिफाइड कंटेंट हम लोग इसको सेंटर करेंगे सो so, मैं बाय द हैंड इसको सेव करके रन भी कर रहा हूँ कि और दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम वाइज अब देखो किस तरह से आउटपुट हमारा दिख रहा है सो so, मैं डिटेल क्लास को यहाँ पे एडिट कर दिया अब हम लोग नेक्स्ट क्लास की बढ़ते हैं जो कि हमारा क्लास टेक्स्ट है जो इसमें हम लोग चीज़ें लिखी है हेडिंग और पैराग्राफ में उसको चेंजेस करते हैं सो डॉट टेक्स्ट इससे वो क्लास यहाँ पर कॉल हो जाएगा एंड ओपन क्लोज कर ली ब्रैकेट इसमें लिखते हैं हम लोग सबसे पहले मार्जिन टॉप सो टॉप से इसका कितना मार्जिन होना चाहिए ट्वेंटी पिक्सल एंड लेफ़्ट से कितना मार्जिन होना चाहिए सो लेफ्ट नहीं सॉरी लेटर स्पेसिंग कितना होना चाहिए पॉइंट फाइव पिक्सल मिलते हैं हर एक लेटर के बीच में स्पेस एंड लाइन हाइट ट्वेंटी पिक्सल इसको सेव करके देखो कितना अच्छे से सब अलाइन हो चुका है देखने में कितना अच्छा लग रहा है अभी ये सो so, हमने डॉट टेक्स्ट को भी यहाँ पे चेंज कर दिया अब हम लोग ये आइकन्स को चेंज करते हैं सो so, कहाँ गया वो चीज़ है देखो क्लास सोशल आइकनस सो डॉट सोशल आइकन्स एंड इस पर हम लोग अब काम करते हैं ओपन क्लोज कर करली ब्रैकेट तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन डिफाइन करते हैं टॉप से तो ट्वेंटी पिक्सल मीन्स ये टॉप किसको टॉप लेगा सबसे ऊपर वाला टॉप नहीं उसके जस्ट ऊपर जो कंटेंट है उसका टॉप एंड डॉट सोशल हमने दूसरा लिया जो हम जहाँ पर हमारे ये आइकन्स एक्चुअली डिफाइन है सो so मार्जिन इसका फोर पिक्सल सबका हाइट हमने फोर पिक्सल रख दिया फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो इससे क्या होगा सब एक ही लाइन में अच्छे से अलाइन हो गया आएगा एंड टेक्स अलाइनमेंट हम लोग इसको सेंटर करेंगे कि सब बीच में आ जाए एंड विथ लेट्स से फोटी पिक्सल थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं उनको एंड हाइट इसका रखेंगे हम लोग फोटी पिक्सल सो फोर्टी बाय फोर्टी का ये आइकन हमारा रहेगा एंड बॉर्डर रेडियस ये जो आइकन होगा उसका बॉर्डर रेडियस होगा जिसको हम लोग पचास परसेंट का कर दिए तो ताकि वो अच्छा सा दिखे हमको अब ये आइकन सादा सादा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है तो हम लोग इसमें थोड़ा तो कलर भरते हैं सो so, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे इसका बैकग्राउंड कलर लेते हैं हम लोग लेट्स से आठ जी बी टू फिफ्टी फाइव वन नाइन्टी वन एंड सेवेंटी वन तो येलो कलर का देखो आ गया आइकन बट उसके अंदर जो लोगो है वो ऊपर फ्लोट कर रहा है उसको हमको प्रॉपर सेंटर में डालना है तो वो भी हम लोग करते हैं सो फ्रंट साइज़ हम लोग मैंशन करेंगे यहाँ पर ट्वेंटी पिक्सल को एंड इससे देखो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा एंड पहले इसको देखो लाइन का हाइट हम लोग फोर्टी पिक्सल करते हैं अब मैं सेव करके इसको जब देखूंगा तो देखो किस तरह से वो बीच में आ गया थोड़ा सा एंड कलर ऑफ द आइकन हम लोग लेट से स्टार्टिंग में इसको ब्लैक रखते हैं सो so, सब ब्लैक हो गया देख लो सो so, मैं साइड बाई साइड एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ बॉक्स शाइडो जीरो टेन पिक्सल एंड फिफ्टीन पिक्सल तो थोड़ा सा एक शेडो टाइप का उसमें कुछ आ जाएगा एंड लेट से उसको ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो कर देते हैं हल्का सा ब्लैकिश कलर का ग्रे कलर का शेडो आ जाएगा उसमें देख लो नीचे कुछ दिख रहे शेडो हमको यस सो इन दिस वे हम लोग इस आइकन को डिफाइन करके देखो यहाँ पे थोड़ा सा शेडो हमको दिख रहा है हर एक आइकन का नीचे में तो वो हो गया ये बॉक्स सैडो सो so, हमने ये तो सब फिनिश कर दिया अब देखो क्या होगा जो भी ये आइकन को क्लिक करेगा उसमें एक अलग कलर आना चाहिए तो इसलिए हम लोग उसको होवर बोलते हैं तो सोशल आइकन डॉट सोशल और कॉलन में हम लोग देंगे होवर ऐस में हमको कलर डिफाइन कर देना है कि जब वो कोई क्लिक करेगा तो कौन सा कलर आना चाहिए सो लेट्स से मैं कलर इसमें एक्वा डाल के चेक करता हूँ अलग अलग कलर में ट्राई कर सक देख लो जैसे आइकन को क्लिक करें यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है सो लेट्स से मुझे इसको ब्लूइश थ्रो करने दो सो so, देखो विजुअल स्टूडियो कोड आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप बिना वो नंबर को याद रखे आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो सो so, हमारा ये आइकन का पार्ट खत्म हो गया अब हम लोग कॉन्टेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा कॉन्टेंट का था ये पार्ट सो गाइज यू ऑल आर नाउ एक्सपर्ट कि किस तरह से क्लास को जो हम लोग एच में डिफाइन करते हैं उसको सी में अप्लाई करें सो डॉट कंटेंट डालो एंड हम लोग कर्टेंट में क्या करेंगे मार्जिन टॉप ट्वेंटी पिक्सल एंड बैकग्राउंड हमारा वाइट ही रहेगा क्योंकि प्रोफाइल का अच्छे से दिखे तो देखो कंटेंट क्या कर रहा है ये जो दोनों चीज़ें हमारे यहाँ पे है क्वालिटी कंटेंट फॉर लर्नर्स एंड कम्युनिटी पोस्ट एक परफेक्ट शेप में आ गया देखो सब अलाइन अच्छे से हो रहा है सो so, इसका विथ हमने 500 हंड्रेड पिक्सल रख दिया एंड पैडिंग हमने 20 पिक्सल डाला तो देखो सब एक तरह से दिख रहा है हमको एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे डॉट डिस्क्रिप्शन नाम का हमने एक क्लास बनाया था उसमें चलो चलते हैं देखो कहाँ है डिस्क्रिप्शन ये रहा जो इसमें पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको हमने डॉट डिस्क्रिप्शन से लिखा हुआ है सो so, इसको हम लोग थोड़ा सा एडिट करते हैं अच्छे से सो so, डॉट डिस्क्रिप्शन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड मार्जिन टॉप इसमें हम लोग रख देंगे ईट पिक्सल एंड जैसे इसको सेव करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँ पेज आप देखो क्या इफेक्ट यहाँ पर पड़ गया सो अब हम लोग प्रोफाइल कार्ड को थोड़ा अच्छे से देख पा रहे हैं अब कुछ और चीज़ें बाकी है इसमें अब देखो डॉट लैंग को हम लोग यहाँ क्लॉज कॉल करेंगे एंड डिस्प्ले इसका इनलाइन ब्लॉक रखेंगे ये जो चीज़ें था पाइथन जावा वेब डेवलपमेंट इस ये लाइन बाय लाइन था मीन लिस्ट के फॉर्म में था जो कि अनऑर्डर लिस्ट था हमने उसको अब इनलाइन कर दिया एंड पैडिंग सिक्स पिक्सल एंड ट्वेल्व पिक्सल कर थोड़ा गैप डाल दिया बीच में देख लो एंड फ्रंट साइज लेट से फोटीन पिक्सल सो थोड़ा सा ये बोल्ड दिखना चाहिए ताकि इसको कोई क्लिक करे तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा नेक्स्ट टैब पे जाएगा एंड मार्जिन का राइट right से कितना मार्जिन ले इसको लेट्स से सिक्स पिक्सल रखते हैं तो so लेफ़्ट से भी राइट right से भी सेम एंड बैकग्राउंड कलर यहाँ पे डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सो so बैकग्राउंड हम लोग आर लेते हैं टू फिफ्टी एंड सेवेंटी क्योंकि येल्लो येल्लो रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा पर ये कुछ ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है ना तो इसमें कुछ और इफ़ेक्ट डालते हैं तो so कर्व बनाते हैं सो बॉर्डर रेडियस एटीन पिक्सल अगर हमने किया तो देखो ये अच्छा सा सर्कल के टाइप में बन के आ रहा है हमको एंड फ्रंट का विथ थोड़ा सा बोल्ड करेंगे तो उसको हम लोग सिक्स हंड्रेड दिए एंड देखो अब देखो किस तरह से हमारा प्रोफाइल दिख रहा है है ना सो so, अब डॉट कंटेंट डॉट लैंग इसमें होवर डालता है कि जैसे कोई इसको क्लिक करेगा तो उसका कलर चेंज होना चाहिए सो लेट्स से मैं इसका कलर डाल देता हूँ आर जी बी सो so, मैंने कलर रेड चूज़ कर लिया कि जैसे कोई पाइथन जावा वेब डेवलपमेंट से इन सबको क्लिक करेगा तो ये रेड कलर में हो जाएगा देख लो और क्योंकि ऊपर लिंक था इसलिए उसमें इफेक्ट नहीं पड़ा पर नीचे देखो कम्युनिटी पोस्ट में जैसे मैंने कि क्लिक किया वो रेड कलर का दिखने लग गया था हमको सो so, इस तरह से हमने प्रोफाइल कार्ड को क्रिएट कर लिया आप इसमें कुछ अलाइनमेंट करते हैं प्रोफाइल कार्ड को सेंटर में लाते हैं और कुछ इफेक्ट होगा तो हम लोग वो बाय द हैंड करते आएंगे एक बार कोड को हम लोग रिव्यू करते हैं क्या क्या हमने लिखा अभी तक तो सबसे पहले हमने डॉक टैप लिखा फिर हेड के अंदर हमने लिंक सबको यहाँ पे कनेक्ट uh, किया है एस से फिर हमने बॉडी बनाया और हमने स्टाइल शीट पहले कनेक्ट किया था फिर बॉडी के अंदर हमने क्लास कार्ड बनाया जिसका इफेक्ट हमने सी में डाला फिर डिप क्लास डिटेल्स वी क्रिएटेड एंड उसमें हम लोग लोगो ऐड कर दिए आइकन्स ऐड किए एंड आफ्टर दैट डिप क्लास कंटेंट जिसका टारगेट था कि नेक्स्ट पेज में जाए वो अगर कोई भी पाइथन जावा इन सबको क्लिक करेगा तो एंड कम्युनिटी पोस्ट के लिए भी हमने वही चीज़ क्रिएट किया फिर हम लोग सी में आए उसमें मार्जिन डिफाइन किया बॉडी क्लास हर एक क्लास का हमने यहाँ पे इफेक्ट ऐड कर दिया एंड हम लोग अब हमारा फाइनल डेमो एक बार चेक करते हैं किस तरह से हमारा दिख रहा है आ, हमारा प्रोफाइल कार्ड तो ये देख लो ये लेफ्ट साइड अलाइन है कुछ ख़ास नहीं लग रहा है इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ फिर भी ये कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे हमको इसको सेंटर्ड में लाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा तो हमको स्टाइल डॉट सी में बॉडी में जाना होगा एंड चेक करना होगा कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है तो यहाँ देख लो कि मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया था इसको मैंने ये जस्टिफाई कंटेंट जो है सेंटर मैंने किया था एक नया चीज़ ऐड किया था एंड ये अलाइन आइटम जो यहाँ पे लेफ़्ट है इसको हमको डिलीट करके वी हैव टू राइट हीयर सेंटर तो इससे क्या होगा हमारा जो कंटेंट है वो बीच में आ जाएगा हमारे पेज के सो so इसको सेव करके जब मैं रन करूँगा तो आउटपुट कुछ इस तरह से होगा जो हम लोग डिजायर कर रहे थे कि ये मिडल ऑफ द पेज में आ जाए तो बाय द साइड साइड में कोड भी यहाँ पे खोल देता हूँ एंड देख लो मैं कलर अगर तो वाइट से कुछ और कलर ऐड कर सो so, येल्लो कर दो अगर मैं बैकग्राउंड कलर तो देखो किस तरह से दिखेगा हमारा पेज सो so, कलर को मैं वाइट से थोड़ा येलोइश किया तो so, ये देखो हमारा प्रोफाइल कार्ड कितना डायनामिक लग रहा है है ना सो so, मैं कोड एडिटर को थोड़ा रिमूव कर देता हूँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ एंड थोड़ा आउटपुट को एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा प्रोफाइल कार्ड किस तरह से बन के तैयार हुआ है सी यार जैसे मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम और गिटअप का लिंक क्लिक किया मींस लोगों को क्लिक किया हम एक नए टैब में पहुँच रहे हैं और वो नया टैब ओपन हो रहा है तो मैं इस सबको डिलीट करके मींस कट करके फिर से एक बार हमारा आउटपुट रन करता हूँ और मैंने येलो कलर हटा दिया है एंड आप देखो वाइट कलर मेरे को ज़्यादा डिसेंट लग रहा था क्योंकि मुझे सिंपल रखना है इसको तो देख लो लोगो है हमारे यहाँ पे टाइटल में नाम दिख रहा है सिंप्लीफाइड लर्नर एंड अलग अलग तरह का आइकॉन्स है जिसमें होवर होगा जैसे हम लोग उसको क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज होगा देख लो एंड क्लिक करने के बाद हम एक नए टैब में पहुंच जाएंगे यूट्यूब क्लिक किया तो हम नए टैब में आए गए यूट्यूब का यहाँ पे खुल गया मेरा पेज सो गाइस सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को और सपोर्ट करो कम्युनिटी पोस्ट को विजिट किया करो आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ मैं डेली नौ बजे इंस्टाग्राम गिटक इस तरह का पेज खुल रहा है जैसे हम लोग वो आइकन को क्लिक कर रहे हैं जो हमारे प्रोफाइल कार्ड में क्वालिटी कंटेंट फॉर लर्नर्स यहाँ पे मैंने पाइथन जावा वेब डेवलपमेंट और सी का प्लेलिस्ट ऐड कर दिया जैसे कोई इसको क्लिक करेगा वो डायरेक्टली लैंड होगा एक नए टैब में जहाँ पे हमारा पाइथन का पूरा प्लेलिस्ट खुलेगा जो मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है एंड इसी तरह से जावा का भी वेब डेवलपमेंट की और कम्युनिटी पोस्ट को मैंने एक लिंक बना दिया है कि अगर कोई कम्युनिटी पोस्ट को क्लिक करेगा तो डायरेक्टली हमारे कम्युनिटी पोस्ट के पेज पर पहुँच जाएगा जहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ तो इस तरह से आप अपने ही मनचाह प्रोफाइल कार्ड बना सकते हो कि कोई अगर आप कॉन्टेक्ट करेगा तो ट्विटर क्लिक करेगा तो ट्विटर पर डायरेक्टली आपको मैसेज कर सकता है सो so, ये बहुत ही डायनामिक प्रोजेक्ट है आपके लिए एक्सप्लोर करो गिटअप पे और ये कोड को आप वहाँ से फोक कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो जेफ़ फाइल को मैं गिटअप पे इसको प्रोवाइड कर दिया हूँ एंड उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, में प्रोवाइड कर दूंगा एंड इस तरह से आप अपने मनचाहा प्रोफाइल कार्ड क्रिएट कर सकते हो तो सपोर्ट करो हमको वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो मिनी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे वेब डेवलपमेंट पे ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा ये आइडिया आपको बहुत अच्छा सा मिल जाएगा इससे किस किस तरह से प्रोफाइल कार्ड क्रिएट करें और मार्क्स गेन करें हमारे यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स में और प्रोजेक्ट्स में एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल प्रेस द आइकन एंड लाइक द वीडियो हैप्पी लर्निंग